प्रियंका से मुलाकात के बाद अनीता यादव ने एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर से बात की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जिस अनीता वर्मा से मिलकर गई हैं वो मेरे साथ हैं। अनीता जी ये बताइए, प्रियंका जी आई थी, क्या क्या कुछ बातचीत हुई आपसे? हमसे मेरी पीड़ित अस्तित्व को उनने हमसे शासन दिलाया, हिम्मत जगाई और हमसे सारी बातें बुझी दीदी, प्रियंका दीदी ने। उस दिन क्या हुआ था आपके साथ जरा बताएंगे? उस हुआ था, मैं पर्चा भरने के लिए पसगवा गई हुई थी, रेखा वर्मा लोकेंद्र प्रसाद के गुंडों ने मेरी साड़ी खींची, हाथ पकड़ा और गाली देते हुए गेट के बाहर हमें फेंक दिया और हमको गेट के अंदर घुसने नहीं दिया। रितु सिंह और क्रांति अंदर घुस गए और उन सब लोगों के साथ गुंडों ने उनकी हमको चीखे सुनाई दे रहे थे, अंदर हम गई नहीं हमको, और क्रांति भैया ने उनका सब कुछ बचाया और मेरा आरोप पर्चा जमा करने के बाद भी फाड़ दिया। उन सब लोगों को आप पहचानती थी? इसके बाद तो वीडियो से देखी है। और अच्छा, उसके बाद तो पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया था सरकार ने और कार्रवाई भी की थी, आप सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं या आप कुछ और चाहती हैं? नहीं चाहे संतुष्ट हैं। क्या चाहती हैं? न्याय चाहती हैं। और क्या चाहती हूँ? न्याय में क्या मिलना चाहिए आप? उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और आगे महिलाओं के लिए शासन दिलाया जाए, महिलाएं पाछे हो जाएंगी और इससे डरभूत हो जाएंगी तो कोई आएगा ही नहीं और क्या होगा। अच्छा, प्रियंका जी कह रही हैं कि चुनाव रद्द हो और फिर से चुनाव हो, आपको पर्चा दाखिल करने को मिले, आप फिर से प्रत्याशी बने, चुनाव लड़े, इस तरह की कोई मांग आप कर रही हैं? जी कर रही हूँ, मैं लड़ना चाहती हूँ और क्या चाहती हूँ। आज बातचीत ठीक रही? जी जी बहुत अच्छी रही। अच्छा क्रांति जी, आप यहाँ बैठे हैं, सपा की टोपी लगाए, आपका घर ही है ये। प्रियंका जी कांग्रेस महासचिव, आप लोगों से कोई गठबंधन नहीं, एक दूसरे के आप लोग खिलाफ हैं, फिर भी समाजवादी पार्टी के प्रस्तावक नेता उनके घर में आकर के प्रियंका जी मुलाकात करते हैं, इसके क्या मायने हैं लोकल लेवल पे आप क्या? देखिए, हम लोगों को तो रात के 1:30 बजे कुछ सुगुगाहट पता चली जब पुलिस फोर्स हमारे घर पे आना शुरू हुआ, किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं हुई थी। और जब हम लोगों ने पूछा भी, कांग्रेस के नेता जब सुबह हमारे घर पे आए, हमने पूछा कि भाई क्यों हमारे घर पर, तो उनका महिला मुद्दा है और महिला सम्मान का प्रश्न है और उसी मुद्दे को लेकर के हम यहाँ पर आ रहे हैं। और उन्होंने कोई राजनीतिक बात भी नहीं की, महिला मुद्दे पे ही बातचीत की और उन्होंने कहा कि महिला मुद्दे का प्रश्न है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का कि जब उन्होंने इस प्रश्न को उठाया, एक गरीब की बेटी को पहले तो प्रमुखी का टिकट दिया और उसके बाद जब घटना घटी तो सबसे पहले लखनऊ में बुला करके उन्होंने इस घटना को उठाने का काम किया। मेन ABP News, आपको रखे आगे।